हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा। तो प्रेजेंटली मैं एमसीडी में एक प्राइमरी टीचर हूँ और मैंने 2019 की जो केवीएस की वैकेंसी थी उसमें 56 आउट ऑफ 60 मार्क्स स्कोर किए थे इंटरव्यू में, वो भी सेल्फ प्रिपरेशन से बिना किसी कोचिंग के। तो मैंने अभी केवीएस इंटरव्यू की सीरीज स्टार्ट की है कि आप अपना इंटरव्यू कैसे बहुत अच्छे से दे सकते हैं और आपको उसके लिए कैसे तैयारी शुरू करनी है। मैंने दो वीडियोस अपलोड किए हैं, एक पर्सनालिटी टेस्ट की और एक डेमो टीचिंग की, तो वो यहाँ पे आई बटन आएगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का मेरे वीडियो में ये कमेंट था कि 121 स्टिल अ चांस और नॉट, मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे चांस है या नहीं है। आप तो बहुत सारा बच्चों में क्या है, कन्फ्यूजन है। तो मैंने सोचा कि पहले इसी को क्लियर कर लिया जाए कि किसको पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, किसको तो छोड़ ही देना चाहिए, भाई मेरा तो आ ही नहीं सकता, और किसके लिए उम्मीद की किरण है कि हाँ यार हो सकता है कुछ। ठीक है, तो देखिए मैं कुछ लॉजिक और कुछ प्रूफ के बेसिस पे बात करूंगी, जैसा मैंने डिस्कशन किया। ठीक है, तो मुझे कुछ कुछ चीजें समझ आई और मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जब मेरी टाइम पे वैकेंसी थी तो 3000 कुछ वैकेंसीज थी। ठीक है, उस टाइम पे भी कितने कैंडिडेट्स बुलाए गए और क्या कुछ रहा, तो मैं उसी के बेसिस पे बात करूंगी। देखो, सबसे आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं कि केवीएस पीआरटी कट ऑफ, क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या मेरिट जा सकती है। देखो मैं तो केवीएस में काम नहीं करती हूँ तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर मैं आइडिया दे रही हूँ कि इसके आसपास है तो चांस है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, कुछ लॉजिक लगा के देख लेते हैं। जो टीजीटी की वैकेंसीज थी, टीजीटी हिंदी की, वो 377 वैकेंसीज थी। ठीक है, और इंटरव्यू में जो है 1293 लोगों को बुलाया गया। वहीं पर टीजीटी इंग्लिश जो है वो 401 वैकेंसीज थी, 401, और इंटरव्यू में 1346 लोगों को बुलाया गया। आर्ट एजुकेशन, टीजीटी आर्ट एजुकेशन में 251 वैकेंसीज थी, 251, और इंटरव्यू के लिए 841 लोगों को, मतलब 841 लोगों को बुलाया गया। तो मैंने इनको डिवाइड करके देखा, आप भी कैलकुलेशन कर सकते हो अगर मुझसे कहीं गलती हो गई हो तो। और उसमें क्या है, मुझे औसतन लगा समझ आया कि जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 3 को 12 से देख लो, 3 तो साफ ही दिख रहा है, तो 3.42 गुना लोगों को बुलाया गया वैकेंसी के मुकाबले, 3 गुना लोगों को, 3.4 है, मतलब 3 से भी ऊपर है। इसी तरीके से टीजीटी इंग्लिश के लिए भी 3.35 गुना लोगों को बुलाया गया, और आर्ट एजुकेशन में भी 3.35, मतलब 3 तो मिनिमम है ही, दिख रहा है आपको। तो इसी के बेसिस पर हमारी जो वैकेंसीज हैं यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी और एसटी की, ये वैकेंसीज मैंने लिख दी हैं कि यूआर की 2599 है, ओबीसी की 1731 है, EWS की 641 है, SC की 962 है, ST की 481 है। तो टोटल 6414 वैकेंसी हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। आप सोचो कि मेरे टाइम पे 3000 थी, उसकी डबल वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, तो इन वैकेंसी का मतलब क्या है कि जब इतनी वैकेंसी तो 3 गुना बच्चे बुलाए ना। अब सोचो 6000 के लिए कम से कम 12000 तो बुलाएंगे, 6000 वो 1414 हैं। ठीक है, 6414 वैकेंसी है, अगर इसका 2 गुना भी बुलाया तो आपका हो गया 12828, कितना 12800, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी 12828 आपका हो गया अगर 2 गुना हो गया, मतलब इतने बच्चों को तो वो लोग बुलाएंगे। तो मैं बता दूं कि किसी भी एग्जाम की कट ऑफ बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, आप किसी एक बेसिस पर नहीं बोल सकते कि इतनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो वैकेंसीज कितनी है, कम वैकेंसी होती है ज्यादा कट ऑफ जाती है, ज्यादा वैकेंसी होती है कम कट ऑफ जाती है। ठीक है, पेपर कैसा आया है, मुश्किल या इजी, पेपर मुश्किल आया होता है तो मेरिट कम जाती है, और पेपर आसान आया होता है तो मेरिट हाई चली जाती है। जैसे मेरे टाइम पे पेपर बहुत बहुत ही टफ आया हुआ था, तब उस टाइम पे 95 पर मेरिट गई थी। ठीक है, उसके मैथ्स के क्वेश्चन ही इतने टफ थे, सीजीएल वाले क्वेश्चंस डाले हुए थे। ठीक है, तो अब वो पेपर आसान होगा तो मेरिट हाई जाएगी, पेपर मुश्किल होगा तो मेरिट लो जाएगी। ठीक है, तो पेपर ठीक ठीक था, आसान था थोड़ा सा, इतना मुश्किल नहीं था, मैं ये नहीं कह रही थी आप, पेपर ठीक ठीक था। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था उसके बेसिस पर। और फिर बात आती है कि कितने कैंडिडेट्स को बुलाना है, तो दो
तीन गुना कैंडिडेट्स हमेशा बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, पोस्ट से जितनी वैकेंसीज होती है उससे 2 या 3 गुना बच्चे हमेशा बुलाए जाते हैं। मेरे टाइम पे भी 8,000 कुछ बच्चे बुलाए गए थे इंटरव्यू के लिए, 3,000 और 8,000, 3 to 6 और 2,000 ऊपर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 2 गुना तो बुलाते ही बुलाते हैं। तो अगर हमारे 2 गुना के, हम 3 भी नहीं लेके चल रहे, जैसे TGT में तो 3 गुना प्लस लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ PRT को हम सोच के चले, हम बुरी से बुरी कंडीशन सोच के चलें, ठीक है। पहले तो BEd वाले कैंडिडेट्स भी थे, फिर उसकी वजह से कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब हमारे BEd कैंडिडेट्स हट चुके हैं, शायद RTI के अकॉर्डिंग 6.5 से 3 लाख ही बचे हैं, 50% BEd के कैंडिडेट थे। तो अगर हम कट ऑफ देखें इन सब चीज़ों के बेसिस पर, और हम बुरा से बुरा सोचे चल रहे हैं कि भाई 3 गुना नहीं बुलाए, 2 गुना ही बुलाए, ठीक है, डबल बुलाए, तो हमारी UR की जो कट ऑफ जा सकती है वो 120 में 2 ऊपर मान लो या 2 नीचे मान लो, मतलब 2 या 3, मतलब 2-3 नंबर मान लो, ठीक है, 5 भी मान सकते हो, लेकिन मैं 2-3 ही बोल रही हूँ, ठीक है। अब ये 120 में कम भी हो सकती है, 118 117 भी जा सकती है, और 120 22 23 24 मतलब कि ये जो है ना थोड़ी सी रेंज है, कौन सी 118-17 के करीब, ठीक है, ये मान लो आप कि 17 से 100 में 3 इधर कम कर रही हूँ 3 इधर ज़्यादा कर रही हूँ, 123 और 118 से 122 ऐसा भी हो सकता है, 3 इधर कम 2 इधर, तो मतलब अगर इसका स्कोर, अगर आपके इसके आसपास का स्कोर है तो आपके लिए चांस है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैंने तब बताई है जब 2 गुना कैंडिडेट बुलाती है KVS, अगर बुलाती है 2 गुना, लेकिन सब जगह 3 गुना बुलाएं तो मे बी KVS इंटरव्यू में PRT के लिए भी 3 गुना बुलाए। अगर 3 गुना कैंडिडेट बुलाया तो फिर UR की इससे भी कम जा सकती है कट ऑफ, ठीक है। तो आपका स्कोर इसके आसपास है तो आपके लिए थोड़ा सा चांस है, लेकिन अगर किसी के 100 UR की बात कर रही हूँ मैं, अगर किसी का 100 से ही नीचे है तो फिर मुझे मुश्किल लगता है कि फिर तो नहीं हो पाएगा। और बाकी जितनी कैटेगरीज हैं EWS OBC ST SC इनका आप इनके अकॉर्डिंग लगा लो 5-7-10 नंबर कम कर करके, ठीक है। तो ये आइडिया मैं UR का दे रही हूँ, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। तो आप जिन बच्चों का इसके आसपास स्कोर है उनको बिना टाइम वेस्ट किए अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर 115 भी है ना तो भी सोच लो कि हाँ आ सकता है, उम्मीद रखो थोड़ी सी, अगर नहीं आया वो बाद की बात है, लेकिन उम्मीद रख सकते हो आप, ठीक है। तो आपने अगर अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी बिना किसी देरी किए, बिना कोई सेकेंड थॉट के सोचना शुरू कर दो, शुरू कर दो तैयारी, अगर आपका इसके आसपास का स्कोर है या इससे ज़्यादा स्कोर है, ठीक है। तो मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाली हूँ KVS इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं और मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है, तो मैं उनको बहुत एनालाइज करती हूँ और सब उससे रिलेटेड मैं प्लान्स बना रही हूँ कि अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो इसको डील करने के लिए क्या क्या किया जाए, ठीक है। तो आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको स्पेसिफिक होकर आप बता सकते हैं, आप ओपनली कमेंट करिए जो भी आपको लग रहा है, जो भी फील हो रहा है, जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है। और हमने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, सभी बच्चे उसको ज्वाइन कर लो, ताकि मैं हर छोटी चीज़ के लिए जो है ना वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकती, ठीक है। कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो शायद मैसेज कर दूँ तो बहुत कन्वीनियंट है, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम से ज्वाइन कर, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो भी KVS PRT इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो, क्योंकि सब्सक्राइब लोग नहीं कर रहे हैं और देख ज़्यादा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस लाऊं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।